हेलो डियर, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? सब बढ़िया हैं? तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा। आपका सेशन हर रोज की तरह आज भी फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आज इस सेशन का सेकंड डे है, ठीक है। और इस सेशन में जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अभी तक क्वेश्चंस होंगे, आप सभी को जैसे आपने थंबनेल में कल देख ही लिया होगा कि यूथ पब्लिकेशंस के जितने भी प्रीवियस ईयर ऑल ओवर इंडिया के क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पे आपको डियर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और कल का आपका एक बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने जो आपको बताया कि फॉर्म वर्क जो होता है वो किस तरह से हम देखते हैं, कैसे क्या सॉफ्ट होता है और क्या आपके पास प्रॉप्ड होता है, ठीक है। सॉफ्ट और प्रॉप्ड वर्क, इन सभी कंडीशन को हमने क्या देखा था डियर, यहां पे कवर किया था। ठीक है, तो अगर हम वहां की बात करें कि हमारे पास, सर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि द डिफरेंस बिटवीन कि शैटरिंग क्या होता है, और शैटरिंग के बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटरिंग क्या होता है, और सेंटरिंग के बाद मैंने स्टेगिंग क्या होता है, ठीक है। आपके मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने आपको तीन क्वेश्चंस दिए थे और तीनों क्वेश्चंस में मैंने आपसे पूछा था कि भाई तीन क्वेश्चंस है आपके लिए और घर से करके आना, ठीक है। तो अगर बेटर होगा डियर, या तो ये हम अभी डिस्कशन कर दें या बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी भाई लाइव जुड़ जाइएगा, जो लोग भी यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पे AEJEE की तैयारी करना चाहता है, जरूरी नहीं कि JEE के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन लगा दोगे तो JEE लेवल के क्वेश्चन तो बड़े इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है। तो भाई आप देखते हैं हम यहाँ पे आज का पहला सेशंस और थोड़ा सा उसका भाई थोड़ा सा ब्रीफ भी देखेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आइए चलते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चंस। ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, आपको इसका जल्दी से जल्दी भाई आंसर देना है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा है डियर, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन द स्ट्रक्चर्स इन विच मार्क चेंज इन प्लेन डायमेंशन टेक प्लेस एब्रप्टली शेल बी प्रोवाइडेड विद, कि अगर आपके पास यहां पे कि कौन सा जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है आपके RCC कंस्ट्रक्शन में, कब, जब वो अपनी डायमेंशन को चेंज कर रहा है, यानी कि जब उसकी वेड़थ लेंथ वगैरह सब चीजें चेंज हो रही है, तो आप वहां पे कौन सा देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए कि कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं, देखते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आज आपकी पहली क्लास है, चलेगा। अब देखिएगा डियर, पहले हम थोड़ी सी जॉइंट्स की हिस्ट्री देख लेते हैं। आंसर तो सभी आप लोगों का आंसर आया नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे जॉइंट। जॉइंट कितने टाइप के होते हैं डियर आपके पास, अगर आप मैं कंक्रीट में जॉइंट की बात करता हूं तो तीन टाइप के जॉइंट होते हैं। कितने टाइप के जॉइंट होते हैं भाई, तीन टाइप के जॉइंट होते हैं। सर आपने कहा तीन टाइप के जॉइंट होते हैं, इन्हें RCC स्ट्रक्चर, RCC स्ट्रक्चर कहो या कोई भी कहो या कंक्रीट कहो, ठीक है, या हाईवे में भी आप कितने टाइप के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तीन की। देखना इसको, ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, थोड़ा सा आपको जल्दी से इसको याद करना होगा। सबसे पहला तो जॉइंट जो आता है आपके पास, दैट इज एक्सपेंशन जॉइंट। फर्स्ट इज एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट होता है डियर। और सेकेंड होता है आपके पास, दैट इज कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट्स। एक एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, एक आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है, इसको मैं लिख देता हूं, दैट इज कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट, और दूसरा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो आंसर दीजिएगा जल्दी, कितने लोग भाई इसका आंसर दे पाते हैं। ओके,
देखो भाई अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों का। बढ़िया है सरस, बढ़िया है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई। अब देखो डियर, एक्सपेंशन जॉइंट आपका दिया जाता है या तो ये रोड में दिया जाता है, देखिए ध्यान से, यह आपका रोड में दिया जाता है या आपका पेमेंट में दिया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, या फिर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर में दिया जाता है या फिर ये कंक्रीट में दिया जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहां कहां पे आपका ये दिया जाता है डियर। एक का दिया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट, रोड में दिया जाता है, पेमेंट में दिया जाता है, आरसीसी में दिया जाता है, स्ट्रक्चर में दिया जाता है और कंक्रीट में दिया जाता है। डियर ये आपका ये वाला जो जॉइंट है, ये जॉइंट आपका कब दिया जाता है, जैसे आप गाड़ी गुड़ी रोड वगैरह देखते हो, ठीक है, कहां पे दिया जाता है, जैसे आपका रोड हो गया, आपके ब्रिजेस हो गए, ठीक है, और मेट्रो ट्रैक हो गया, अब सर यहां पे क्यों दिया जाता है, यहां पे इसलिए जाता है कि यहां पे क्या होते हैं, आपके पास गाड़ी मूव कर रही होती, तो गाड़ी मूव कर रही होती तो वहां पे कैसा लोड लगा होता है, रिवर्सल लोड लगा होता है, और जब रिवर्सल लोड लगा होता है तो वहां पे क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता रहता है, या तो यहां पे जो एक्सपेंशन ज्वाइंट की जो टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी कैसी होती है भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसकी टेंडेंसी होती है ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, इसकी टेंडेंसी होती है ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, कि वहां पे गाड़ी लगातार आ रही और जा रही है, तो ड्यू टू वॉल्यूम चेंज होता है वहां पे। सर वॉल्यूम चेंज की टेंडेंसी किसके कारण, दैट इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और जब यहां पे ड्यू टू बोला वॉल्यूम चेंज की टेंडेंसी, वॉल्यूम मतलब वो अपना क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहां पे पूछा क्या था आपसे, कुछ यही तो पूछा है, तो डियर यहां पे यही तो पूछा है कि विच मार्क्ड चेंज इन प्लेन द डायमेंशन एब्रप्टली, तो चेंज इन द डायमेंशन इज एब्रप्टली इज आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज एक्सपेंशन ज्वाइंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट, अब आता है कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट। अब कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कहां दिया जाता है डियर, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट वहां दिया जाता है जहां पे आपको कंक्रीट को बहुत मात्रा में प्लेस करना होता है, कंक्रीट इज प्लेस बहुत, कि बहुत ज्यादा कंक्रीट है भाई, आपने ऐसी जगह पे उसको प्लेस करो जहां पे बहुत ज्यादा कंक्रीट है, आज आपने कंक्रीटिंग की, आज भी वो कंक्रीटिंग कंप्लीट नहीं हुई, कल फिर करनी पड़ी कंक्रीटिंग, फिर भी कंप्लीट नहीं, परसों की गई, यानी कि तो आप एक लाइन में लिख सकते हो कंक्रीटिंग प्लेसिंग वर्क इज मोर, दैट इज कंक्रीटिंग, प्लेसिंग वर्क इज मोर, तो आप वहां पे ये वाला देते हैं जहां पे क्या होता है, आपको कंक्रीट बहुत ज्यादा में प्लेस करना होता है, ठीक है। तो यहां पे आप दो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट देते हैं, और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ध्यान रखना, ये जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है यहां पे दो ज्वाइंट दिए जाते हैं, एक तो जब आप एंड पे ज्वाइंट दोगे और एक स्टार्टिंग में दोगे, क्योंकि आप मार्क कर देंगे सेक्शन को कि भाई आज का काम यहां तक करना है, तो वहां पे एक ज्वाइंट क्रिएट कर देंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर उससे आगे फिर काम अपना स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज योर कौन सा ज्वाइंट हुआ, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। अब आता है डियर आपका कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट। जियर जो कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट होता है ये क्यों दिया जाता है, ताकि टू प्रिवेंट द वाटर सीलिंग, कि आपका पानी क्या करे, आपके रोड ट्रैक में सील ना कर पाए, आपकी स्लैब में पानी सील ना कर पाए, तो सिंपल लिखना आपने टू प्रिवेंट द वाटर सील, टू प्रिवेंट द वाटर सील। तो बस यही था इसका मेन जो आपको पता होना चाहिए कि क्यों दिया जाता है, चेंज इन एब्रप्टली डायमेंशन चेंज कर रहा है, तो दैट इज एक्सपेंशन ज्वाइंट। अगर आपने क्या किया है, ज्यादा मात्रा में आपने कंक्रीट को प्लेस करना है, तो आपने वहां पे कौन सा ज्वाइंट देना, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट देना, और जहां पे आपका लीकेज वगैरह हो रहा होता है वहां पे आप कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कीजिए, कीजिएगा भाई जल्दी।
दीजिएगा भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन एट दी परसेंटेज ऑफ स्टील इज इंक्रीज। पहला बोला है द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज डिक्रीज, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज, द लीवर आर्म इज इंक्रीज, या बोथ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड लीवर आर्म इज डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका भाई? तो जल्दी से भाई, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे, क्या बात, दीजिएगा आंसर। तो यहां पे आपको पता है कि कंप्रेशन इज इक्वल टू, कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू टेंशन जोन। तो कंप्रेशन जोन क्या होता है आपके पास? दैट इज 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। आपको निकालना क्या है? एक्स यू, दैट इज एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाय दिस इज द 0.36 एफ सी के एस बी। तो यहां पे बोला उन्होंने कि कंक्रीट सेक्शन में परसेंटेज ऑफ स्टील क्या करती है, अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अगर देखो यहां पे सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली भाई स्टील का ग्रेड भी बढ़ेगा और एएसटी भी बढ़ेगा। तो एएसटी बढ़ने से क्या होगा, यानी कि बोला उनसे परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज होने से क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ स्टील के इंक्रीजेस होने से एक्सयू भी इंक्रीज होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इंक्रीज। तो आपका आंसर आ गया, दैट इज बी योर आंसर। देखो डियर, यहां पे स्टील ऑफ ग्रेड का स्टील भी इंक्रीज होगा और एरिया ऑफ स्टील भी इंक्रीज होगा। कब? जब आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगी, यानी कि XU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FY इनटू AST के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है FC के, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के और विड्थ ऑफ द सेक्शन के। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कीजिएगा जरा जल्दी से कीजिएगा भाई। ओके, नहीं लिखा है, कब आया है, सॉरी इसको मिटा दिया गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आया है आपका गुजरात पीएससी के अंदर आया है। देखिएगा, कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है? द परमिसिबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस इज सेम फोर्स गिवन इज 20 मेगापास्कल, यानी कि एफसी के दिया है आपके पास, एफसी के कितना दिया है, दैट इज 20 मेगापास्कल यानी कि 20 न्यूटन, एंड एफवाई दिया है, एफवाई दिया है दैट इज 250 मेगापास्कल। एंड उसके बाद दे बोला है इफ द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इज, यानी कि एक्सयू, एक्सयू कितना दिया है, दैट इज 0.3 दिया है टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ यानी कि 0.3 टाइम्स डी डेप्थ ऑफ द सेक्शन, द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील, एएसटी निकालना आपको, इनिंग एएसटी, तो आपको एएसटी फाइंड आउट करना, जल्दी से कीजिएगा, एएसटी फाइंड आउट कीजिएगा भाई। तो अगर हम यहां पे इक्वेशंस बनाएं तो दैट इज 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। ठीक है, तो मैं अगर यहां से क्या निकालूं, अगर मैं यहां से ए एस टी फाइंड आउट करूं, इस कंडीशन से अगर मैं ए एस टी को यहां पे ले आऊं, दैट इज ए एस टी। ठीक है, और उधर क्या चला जाएगा मेरे पास, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डिवाइडेड बाय 0.87 एफ वाई, कुछ इस तरह से आपके पास कंडीशन बन गई।
ठीक है। और मेरे पास एएसटी पता ही है कि एएसटी परसेंटेज क्या होता है, बाय बीडी इनटू 100, ठीक है। तो इसके भी यहां पे डी ले गया मैं नीचे इसको, दैट इज डी। तो जरा सॉल्व करो इसको कितना आता है, जो भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा डियर यहां पे जल्दी कैलकुलेट कीजिएगा भाई, AST by BD निकालना आपको देखेगा यहाँ पे, तो that is 0.36 into FC के, that is 20 into B. B कितना है आपके पास, width of the section? B नहीं है आपके, okay, तो BD आप यहाँ ले आए तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ठीक है कोई बात नहीं, B मैं यहाँ पे लेके आ गया, BD यहाँ पे लेके आ गया, D, अब D से ही मैंने इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि B यहाँ पे आ गया 0.36 B, B मैं इधर लेके आ गया और D से ही इसको डिवाइड किया, दोनों इक्वेशन को D से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज XU। अब देखो यहां पे XU by D, तो यहां से निकाल सकता हूं मैं XU by D, इस कंडीशन से निकाल सकता भाई मैं, 0.3 D था, XU क्या था, XU 0.3 D, तो मैं इसको लिख सकता हूं XU by D इज इक्वल टू 0.3 लिख सकता हूं, तो यहां पे भी तो पुट करो, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.87 इनटू 415, ठीक है। अब डी आप यहां से, डी तो आपने पुट कर ही दिया यहां पे XU by D, तो अब तो क्यों करना है हमने डी, तो बताइएगा कितना आंसर आया, 415, तो आपका आंसर आ गया डेट इज 0.99। तो यहां से कैलकुलेट करो जरा इसको कैलसी में कितना आता आपका, तो ये आता है डियर 0.36 इंटू 20 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415, तो डियर ये आता है आपके पास दैट इज समथिंग समथिंग 0.96, 250 है ना, ओके 250 है, 250 100 इधर ला दिया मैंने, तो आपके पास AST by BD आ गया, तो ठीक है, तो AST by BD आपके पास कितना है, दैट इज 0.99% आ रहा है, तो यहां पे नियर अबाउट क्या है, 0.99 के नियर अबाउट है, दैट इज यहां पे 0.96, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया है भाई बढ़िया है, ठीक है आप सुनाओ, ठीक है। अब देखो यहां पे इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन बार रिपीटेड हो गया भाई, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे नहीं डिपेंड करता, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सर डिपेंड करता किसके ऊपर है, ठीक है, कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहले तो पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भाई बताइएगा, किस पे डिपेंड करता है, बस तीन क्वेश्चन हुए हैं विजय, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तीन क्वेश्चन हुए, चौथा क्वेश्चन है अभी, फोर्थ क्वेश्चन हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो डियर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आपको बी से, बी पे भी डिपेंड करता है, जैसे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो आई कैसे निकालते हैं, दैट इज बी डी क्यू बाय 12, तो ये बी पे भी डिपेंड करता है, तो यहां पे ये बी पे भी मतलब विड्थ पे भी डिपेंड करता है,
और दूसरा ये सर डेप्थ पे भी डिपेंड करता है। कौन सी डेप्थ? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, यानी कि डेप्थ पे भी डिपेंड करता है और एक्चुअल डेप्थ मतलब एक्स यू पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा सर्विस लोड पे भी डिपेंड करता है। किस पे? सर्विस लोड पे भी डिपेंड करता है डियर। तो यहां पे देखो ये विड्थ पे भी, डेप्थ पे भी, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे भी और सर्विस लोड पे भी। तो किस पे डिपेंड नहीं करता? तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ सर्विस लोड करता है सर, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस करता है भाई, विड्थ ब्रेथ पे भी करता है, जी करता है, तो किस पे करता नहीं है? तो डियर ये आपका अल्टीमेट सिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट पे नहीं करता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा विजय, बी नहीं होगा, रटना नहीं है, ठीक है, समझो यहाँ पे। अरे बी और डी तो ब्रेथ और डेप्थ तो यहां से मिल गया, और एक्चुअल डेप्थ पे भी ये करता है, एक्चुअल डेप्थ पे भी करता है और आपके सर्विस लोड पे भी करता है कि आपने वहां पे किस टाइप का लोड लगाया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको ए के ही मिलेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसको कीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। द कवर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार बीम इज सब्जेक्टेड टू सी स्प्रे। सी स्प्रे की बात कर रहा है और सी स्प्रे में आता है दैट इज वेरी सीवियर कंडीशन। मैंने कल भी बताया था सी स्प्रे में कैसी आती है? वेरी सीवियर कंडीशन। सी स्प्रे कैसा होता है? ये केमिकली होता है और इसको मैं क्या बोलता हूं? फ्रीजिंग एंड थोइंग कंडीशन भी इसको बोलता हूं, फ्रीजिंग एंड थोइंग कंडीशन भी बोलता हूं, फ्रीजिंग एंड थोइंग कंडीशन भी बोलता हूं। और डियर आपको यहां पे पता है कितनी टाइप की एक्सपोजर कंडीशन होती है? सर पांच टाइप की। एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, ये सब बताया है मैंने, एक होता है सीवियर और एक होता है डियर आपके पास वेरी सीवियर और एक होता है एक्सट्रीम। तो यहां पे हमने मिनिमम ग्रेड देखे थे, मिनिमम ग्रेड कितना है? M20 है, M25 है, M30 है और M35 है और M40 है। तो यहीं पे हमने इसके देखे थे कवर भी, तो दैट इज 20 है, 25 या 30 है, 45 है, 50 है एंड 70 है। अब देखो यहाँ पे वेरी सीवियर है, कम से कम तो 50 प्रोवाइड कर सकते हैं आप सी स्प्रे में, कम से कम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? मिनिमम आप प्रोवाइड करेंगे कम से कम 50 mm और ज्यादा से ज्यादा नॉट मोर देन 75 mm, 75 mm से ज्यादा तो आप बिल्कुल भी प्रोवाइडेड नहीं करेंगे। नहीं रिंकू जी, क्या कर रहे हो आप रिंकू जी, सी स्प्रे की बात कर रहे हो और यहाँ पे देखो मैंने बताया था सी स्प्रे होता है आपका वेरी सीवियर कंडीशन, और वेरी सीवियर कंडीशन मतलब फ्रीजिंग एंड थोइंग कंडीशन। तो मैंने आपको यहाँ बताया था माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, वेरी सीवियर होता है, एक्सट्रीम। माइल्ड में हम 20 mm का लेते हैं और मॉडरेट में 30 mm का लेते हैं, सीवियर में 45 mm का लेते हैं, वेरी सीवियर में 50 का लेते हैं, एक्सट्रीम में 75 का 70 का लेते हैं। तो मैंने ये कंडीशन बताई कि आप कम से कम 50 ले सकते हो बट और ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो? 75 तक ले सकते हो। तो वेरी सीवियर मतलब 50 तो आपने मिनिमम लेना ही लेना है। अब देखो तो मिनिमम लेना तो 40 तो कैसे भी हो नहीं सकता, क्लियर है? तो आपका 70 और 90 है, बोला 75 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 75 भी तो गलत हो गया ना 90, तो आंसर क्या बचा? 70। तो आंसर रह गया आपका दैट इज 70। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। कीजिएगा भाई,
देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज लोअर देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज हायर देन दैट ऑफ कंक्रीट और फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील एंड कंक्रीट आर सेम। डियर सेम तो कभी हो ही नहीं सकता, सेम कभी हो नहीं सकता, तो दो में यहाँ पे हम भिड़ंत करेंगे। तो देखो डियर क्वेश्चन तो बड़ा इजी है इसका, तो यहाँ पे डियर एक LSM मेथड होता है और एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। अगर मैं यहाँ पे स्टील की बात करूं और यहाँ पे मैं डियर कंक्रीट की बात करूं, किसकी बात करूं, स्टील की बात करूं और मैं यहाँ पे कंक्रीट की बात करूं, तो मुझे जल्दी से बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कितना होता है, बताइएगा। स्टील का होता है LSM में 1.15 और कंक्रीट का होता है दैट इज 1.5। अगर वर्किंग स्ट्रेस की बात करें तो स्टील का होता है दैट इज 1.78 और इसका होता है कंक्रीट का होता है डियर कंक्रीट का होता है दैट इज 3। डियर ये मैंने आपको बताया है, जब जो पेड़ वाले बच्चे हैं उनको तो पता है कि सर ये 1.78 भी नहीं रहता, ये एक समय 1.78 भी आता है, 1.79 भी आता है और 1.81 भी आता है। ये कैसे आता है ये सारी डिटेल्स मैंने बताई है कि कैसे 1.78 बोलते हैं हम, कैसे 1.79 बोलते हैं और कैसे 1.81 बोलते हैं, तो रटना नहीं है डियर। तो यहाँ पे देखो सर, स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोअर होती है, कंक्रीट की ज्यादा होती है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील की लोअर होती है, कितनी होती है, दैट इज 1.15 एंड कंक्रीट की होती है 1.5। अगर हम LSM की बात करें, अगर हम डियर इसकी वर्किंग स्ट्रेस की बात करें, तो वर्किंग स्ट्रेस में स्टील होता है दैट इज 1.78 और कंक्रीट होता है 3, तो मतलब हायर है भाई। अब क्वेश्चन उठता है सर क्यों भाई हमने कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा ली है, इसका रीजन है क्योंकि स्टील क्या है, क्वालिटी उसकी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब उसकी एक्सपोजर कंडीशन, वो कहां पे बन के तैयार हो रहा, वो लैब में बन के तैयार हो रहा, और जब लैब में बन के तैयार हो रहा तो वहां पे प्रॉपर कंपैक्शन हुआ होगा, सब कुछ अच्छे से हुआ होगा। बट डियर जो कंक्रीट है उसकी मैंने ज्यादा क्यों ली है, क्योंकि भाई उसको हम साइट पे करते हैं और जब साइट में करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर का ध्यान रखना होता है, उसमें प्रॉपर कंपैक्शन होनी चाहिए, उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन, वाटर सीमेंट रेशो का इफेक्ट भी उसमें देखना होता है कि कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, तो इसीलिए आपका कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसको कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या आंसर आता है भाई जल्दी से आंसर दीजिए। ओके ए आंसर आ गया भाई, लिखा करो क्वेश्चन का, लिखा करो ऊपर, मैंने यहां पर 7th लिखा तो आप भी 7th लिखो, नहीं तो ऐसे पता नहीं लगेगा कि आपने पिछले का आंसर दिया है अगले का आंसर। अब देखिएगा डियर, द एक्सटेंट कार्बन ऑफ रोट आयरन, जो डियर रोट आयरन जो होता है आपके पास, ऐसे तो ये क्वेश्चन यहां का नहीं है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन आयरन, ये आपकी प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की, इसमें कितना कार्बन कंटेंट होता है भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बताइएगा कितना कार्बन कंटेंट होता है इसमें, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है अप टू 0.25%, इसमें कार्बन कंटेंट होता है अप टू 0.25%। ये तो था रोट आयरन, अब रोट आयरन के बाद आता है कास्ट आयरन को डियर एक और नाम से पुकारते हैं हम, कास्ट आयरन को पिग आयरन भी बोलते हैं, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है डियर, इसमें जो आपका कार्बन कंटेंट होता है वो 2 से 5% के बीच में होता है, ठीक है। यहां पे पूछा है रोट आयरन, तो इसका आंसर तो नो डाउट बी हो गया है,
इसका आंसर क्या हो गया है, बी हो गया है। पर ये जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछे, हो सकता हो कास्ट आयरन पूछ ले तो आपका 2-5%। अब आप आरसीसी पढ़ रहे हो तो भाई स्टील का भी तो पता होना चाहिए। तो स्टील का कितना होता है, तो स्टील में जो आपका कार्बन कंटेंट होता है डियर, दैट इज कार्बन कंटेंट कितना होता है बताएंगे कोई भाई? कार्बन कंटेंट होता है 0.5 से लेके 1.5% के बीच में, 0.5 से 1.5% के बीच में कार्बन कंटेंट होता है आपके स्टील के अंदर। दैट इज द योर आंसर इज, आंसर तो हमें मिल गया पर हमें तीन चीजें एक्स्ट्रा भी देख ली कि रोट आयरन में कितना 0.25, कास्ट आयरन में कितना 2-5 और स्टील में कितना 0.5 से 1.5%। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। यार ये तो सभी को आता होगा पर कई लोग इसको भी गलत करेंगे, बताइएगा क्या आंसर है भाई? ठीक है भाई, क्या बात, आज स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, प्लीज यार जल्दी से अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि यहां पे तो बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। अरे सिंपल है भाई, ठीक है, आरसीसी क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, दैट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, दिस इज द आरसीसी। ठीक है डियर, ये भी देखना होगा भाई, या तो सर बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी भी है डियर, पर यही से मैं क्वेश्चन बनाता हूं कि जो डियर आरसीसी वर्ड है, जो आरसीसी का जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आरसीसी वर्ड वाज फर्स्ट कॉइन, बता सकता है भाई जिसने तो यहाँ पे मेरी क्लास ली है वो तो बताएगा ही बताएगा, क्योंकि जो जेई और एईएम स्टूडेंट है पेड बैचेस के और गेट और एससी वाले स्टूडेंट है उनको तो ये क्वेश्चन बड़े चुटकी में होता है। इसका आरसीसी का सबसे पहला जो आरसीसी वर्ल्ड कॉइन हुआ था वो 1849 में हुआ था, और इसको किसने कॉइन किया था डियर, इसको कॉइन किया था बाय जोसेफ मोनियर, बाय जोसेफ मोनियर साहब जी ने। ठीक है, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें बताई है मैंने। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो हमारे पेड कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं डियर। ठीक है, वहां पे भी आपको हर क्वेश्चन की डिटेल मिल रही है, आपको वीडियो सॉल्यूशन में प्रीवियस ईयर एसएससी गेट सारे क्वेश्चन का डाटा आपको दिया जा रहा है पेड कोर्सेज वाले स्टूडेंट को। ठीक है, तो डियर जोसेफ मोनियर साहब जी थे, अगर आरसीसी वर्ड कभी पूछ ले तो वहां पे मैंने सब बताया कि फादर ऑफ सिविल इंजीनियर जॉन स्मिटन थे, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल इंजीनियर वशन कुंडन। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको वहां पे डिटेल में बताई है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ओके विजय कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को भाई, ये क्वेश्चन रटेंगे आप बहुत सारे स्टूडेंट, और मैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर आईएस 456 साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ वेब इज एक्सीड। उसने बीम की बात की डियर, ध्यान दीजिए, एक लिखता हूं मैं बीम, अगर एक लिखता हूं बीम और एक लिखता हूं टॉर्जनल और एक लिखता हूं डियर मैं, दैट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट। एक लिख रहा हूं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो देखिएगा डियर, ध्यान से देखिएगा डियर, इस क्वेश्चन को कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपकी डेप्थ बीम के अंदर ग्रेटर देन 750 होगी तो वहां पे आप 0.1% साइड फेस रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे, 0.1% साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके सेक्शन में टॉर्जनल आ रहा है, वहां पे टॉर्जनल मूवमेंट आ रहा है, तो डेप्थ वहां पे अगर ग्रेटर देन 450 mm हो रही है,
450 mm हो रही है तो भी वहां पे आप 0.1% का साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड करेंगे डियर। अगर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बोला गया, डियर, तो वहां पे अगर डेप्थ आपके पास 500 mm से ज्यादा हो रही है तब भी आप वहां पे क्या करेंगे, साइड फेस रेनफोर्समेंट डालेंगे, 0.1% साइड फेस रेनफोर्समेंट डालेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो देखो डियर आपके क्वेश्चन में तो बीम बोला है तो आपने बीम क्वेश्चन सही कर दिया है, दैट इज सर 750। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि पूछ क्या रहा। अब बीम है, बीम की जगह टॉर्जनल आएगा तो आपका आंसर होता था 450। अगर बीम की जगह टॉर्जनल ना होके प्रीस्ट्रेस कंक्रीट होगा तो आपका आंसर होगा 500 mm। ठीक है, तो ये है आपकी कंडीशंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर ये कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, इन ए कैंटिलीवर बीम टेंसाइल और मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। दो तरह के बीम होते हैं डियर आपके पास, देखो ध्यान से। वैसे मोस्टली दो तरह के किए जाते हैं, एक होता है कैंटिलीवर बीम, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम, और दूसरा होता है आपके पास कैंटिलीवर बीम। तो अगर डियर इसको करेंगे तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये डिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से होगा, तो यहां पे कंप्रेशन आएगा और यहां पे टेंशन आएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है। कभी गलती नहीं करोगे जिंदगी में डियर अगर आप इसी तरह से स्टडी करते हो। दैट इज, ये है आपका दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो डियर यहां पे आपका सेक्शन कुछ इस तरह से हो रहा होता, अब देखो ये आपका कौन सा बीम है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड, तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैंटिलीवर, सॉरी ये कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर में ऊपर क्या आता है डियर, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आता है टेंशन और यहां आता है कंप्रेशन, यहां पे टेंशन यहां पे कंप्रेशन। डियर जहां पे भी आपका टेंशन जनरेट होगा वहां पे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पे टेंशन कहां है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, तो आप नीचे प्रोवाइड करेंगे मतलब बॉटम में। यहां पे टेंशन कहां प्रोवाइड हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के अबव, तो आप कहां प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करेंगे डियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम में एट द टॉप ऑफ अपर फेस ऑफ द बीम, दैट योर आंसर। जहां पे भी आपका टेंशन क्रिएट होगा डियर वहीं पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे, आपकी नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइडेड करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन क्रिएट होता है, और कैंटिलीवर के बीम में टेंशन कहां क्रिएट होता है, आपका न्यूट्रल एक्सिस से अबव क्रिएट होता है। यहां पे गलती नहीं करना कभी, वेरी गुड, बी 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 बी, बहुत बढ़िया यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इसको कीजिएगा। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोला, एज पर आईएस 456 व्हेन एचवाईएसडी बार्स आर इन नीड, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट इन द आइदर डायरेक्शन, इन स्लैब की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, स्लैब की बात कर रहा है, ठीक है, बीम की बात नहीं कर रहा कि आप 0.85 डिवाइड बाय एफवाई कर दें जैसे कल किया था। ठीक है, बीम के केस में आपने कल क्या किया था, मिनिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं बीम में, दैट इज एएसटी बाय बीडी इन 200 डिवाइड इज इक्वल टू 0.85 इज एफवाई। ये तो कब है, जब आपका बीम था मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम अगर आपका डियर स्लैब है
तो स्लैब में क्या रहेगा मिनिमम, तो दैट इज 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया. 0.12% किसके लिए, दैट इज माइल्ड स्टील के लिए, दैट इज 250 के लिए. और 0.15% किसके लिए, एच वाई एस डी बार के लिए. सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, कोई बात नहीं. हाँ उल्टा लिख दिया है, ठीक है. तो दैट इज 0.15% एंड 0.12% एएसटी मिनिमम, दैट इज एएसटी मिनिमम. 0.15% ऑफ ग्रोस एरिया बोले तो बीडी, बी डी. अगर तो आपसे बीम में पूछा तो एएसटी बाय बीडी इनटू 100.85 एफवाई करना. अगर डियर यही आपसे स्लैब में पूछा तो एएसटी इज इक्वल टू 0.15% बीडी मतलब ग्रॉस एरिया 250 के लिए और 0.12% बीडी इनटू एचवाईएसडी बार के लिए. एचवाईएसडी बार में क्या आता है आपके, 450 415 आता है एंड 500 आता है. तो यहां पे किसके लिए पूछा था, उन्होंने एचवाईएसडी बार के लिए पूछा था. तो HYSD बार के लिए क्या हो जाता है, 0.12% ऑफ ग्रोस एरिया. और यहां पे क्या था, मैक्सिमम कितना था बीम के केस में, 4% 4% ऑफ ग्रोस एरिया. ग्रोस एरिया बोले तो BD. तो ये भी आपकी कंडीशन यहां पे भी सारी क्लियर हो गई. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. इसको कीजिएगा जल्दी. क्वेश्चन क्या है, एट द टाइम ऑफ बेंडिंग बीम इज लेयर इन नाइदर, ना तो उसमें एलोंगेशन हो और ना ही उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो. ऐसा कब होता है डियर, ऐसा तभी हो जब आपकी मतलब टेंशन जोन भी जीरो हो और कंप्रेशन जोन भी जीरो हो. और ऐसा कब होता है डियर, ऐसा आपका सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है कि जब आपका न्यूट्रल एक्सिस में, न्यूट्रल एक्सिस यहां पे इस वाले सेक्शन में क्या होता है डियर, आपका टोटल टोटल स्ट्रेस टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन भी क्या हो, जीरो होता है. तो यहां पे कंप्रेशन भी जीरो और टेंशन भी जीरो, कहां पे, न्यूट्रल एक्सिस पे. तो वहां पे ना तो यहां पे फिर बेंड होगा और ना पे यहां पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, कहां पे, न्यूट्रल एक्सिस पे. तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस. तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे बी, ठीक है, कि बी ही न्यूट्रल एक्सिस ही एक ऐसा जोन है जहां पे आपका टेंशन और कंप्रेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. और जब टेंशन और कंप्रेशन भी जीरो हो जाता है तो वहां पे बेंडिंग एलोंगेशन कुछ भी किसी भी टाइप का कुछ नहीं, क्योंकि अब आपका सेक्शन क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है. क्वेश्चन नंबर 13. भाई थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, आप लोग शेयर नहीं करते यार, इतना बोलते हैं तब भी शेयर नहीं करते. लाइक तो आप वैसे भी करते नहीं हो, ठीक है, लाइक करना तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तभी आप लाइक नहीं करते हो. अब देखो डियर यहां पे पूछा एक्सियल कंप्रेशन, बड़े ध्यान की बात देना है. एक होता है डियर एक्सियल कंप्रेशन, एक होता है एक्सियल कंप्रेशन और एक होता है बेंडिंग कंप्रेशन. और एक होता है श्रिंकेज. यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं श्रिंकेज ऑफ स्ट्रेन. ये दो तीन पॉइंट है जहां पे अब एक्सियल कंप्रेशन कितना होता है भाई, एक्सियल कंप्रेशन होता है 0.002 और बेंडिंग इन कंप्रेशन 0.0035 और श्रिंकेज ऑफ स्ट्रेन दैट इज 0.0003. तो कभी भी गलती नहीं करना. अगर डियर आप कभी भी गलत कर लोगे तो यहां पे एक्सियल पूछा तो 0.002. अगर डियर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूं, ये कभी कभी परसेंटेज में भी दिया जाता है,
तो ये बन जाएगा परसेंटेज में, अगर ये लिखूं मैं तो दैट इज 0.2%। तो इनको परसेंटेज में भी आप लिख सकते हो अगर आपने लिखना चाहो, तो दैट इज 0.3%, 35%, और ये हो जाएगा 0.03%। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ईएससी में ये क्वेश्चन आया है और ईएससी में उन्होंने परसेंटेज में पूछा था और बहुत सारे लोग थे यही लिख के आ गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.002। तो बी यू आर राइट, क्योंकि एक्सियल पूछा है तो एक्सियल भी आ गया, बेंडिंग भी आ गया, श्रिंकेज ऑफ स्ट्रेन भी आ गया। अब देखना, श्रिंकेज ऑफ स्ट्रेन इन प्री टेंशनिंग, ये क्या है, श्रिंकेज ऑफ स्ट्रेन इन प्री टेंशनिंग। पर चलो उसे रहने दो, अभी इतना ही है, काफी है आपके लिए अभी। क्वेश्चन नंबर 14, इसको कीजिएगा जरा। थर्टीन का भी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 14th क्वेश्चन कीजिएगा। मैं ही यहां पे तीन सेक्शन बना देता हूं, आप जल्दी से आंसर बताइएगा उतने नौ। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, आंसर बताइएगा भाई 14 का। दिस इज द बैलेंस, लिख देता हूं इसको, ये है दैट इज एक्सयू लिमिट, दिस इज द एक्सयू एंड दिस इज एक्सयू लिमिट एंड दिस इज एक्सयू एंड दिस इज एक्सयू लिमिट एंड दिस इज एक्सयू। अब देखिएगा डियर, यहां पे क्या है, एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिट, और यहां पे क्या है, XU is less than XU limit, और यहां पे क्या है, XU is greater than XU limit। ठीक है, अगर XU is greater than तो balance section है, और अगर XU छोटा है XU limit से तो under reinforced है, under reinforced है। अगर XU बड़ा है XU limit से तो over reinforced है, over reinforced है। एक और हल्का सा लिख देते हैं, बैलेंस है तो यहां पे अगर अंडर है, अंडर मतलब वहां पे reinforcement कम है, reinforcement है तो फेलियर क्राइटेरिया क्या है इसका, फेलियर हो रहा है ये दैट इज स्टील के अंदर, फर्स्ट रिचेज इन स्टील। और अगर यहां पे ओवर है, शरिया ज्यादा है, फेल किस में हो रहा है, कंक्रीट में, तो फेलियर इन कंक्रीट। तो आपसे क्या पूछा था डियर, वो देखेगा, आपसे पूछा था कि फॉर एन अंडर रेनफोर्स बीम सेक्शन द न्यूट्रल एक्सिस इज, अंडर रेनफोर्स में न्यूट्रल एक्सिस कहां होती है, अंडर रेनफोर्स में न्यूट्रल एक्सिस होती है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, तो एट द सेम लेवल, तो अगर एट द सेम लेवल होगा तो बैलेंस होगा, एट द सेम लेवल होगा तो बैलेंस होगा, अगर बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा तो ओवर रेनफोर्स्ड होगा, अगर एट द मिड ऑफ द बीम होगा, मिड ऑफ द बीम मतलब तब भी आपका बैलेंस होगा, और नेक्स्ट अबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड बैलेंस सेक्शन, अबव द बैलेंस सेक्शन से ऊपर है तो दैट इज अंडर रेनफोर्स्ड, दैट इज अंडर रेनफोर्स्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15,
कीजिएगा भाई 15th क्वेश्चन। वेरी गुड, 14 का डी दिया है, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पे क्या पूछा कि डिफॉर्मेशन कंक्रीट ड्यू टू सस्टेन। अब जो डियर ये कंक्रीट करीब होता है, ये आता है आपका ड्यू टू कांस्टेंट लोड की वजह से। कांस्टेंट लोड बोले तो दैट इज सस्टेन्ड लोड, ठीक है। उसी तरह से यहां पे जो श्रिंकेज आता है डियर, श्रिंकेज क्या आ सकता है, ये आपके लोड के पहले भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर लोड लगाओ तभी श्रिंक हो सकता है। अगर वहां पे आप सेक्शन के ऊपर लोड भी ना लगाओगे तब भी श्रिंकेज हो सकता है। तो यहां पे लिख सकता हूं बिफोर एंड आफ्टर, ये बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग ऑफ सेक्शन, ये बिफोर एंड आफ्टर पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। उसके बाद सेग्रीगेशंस, तो डियर सेग्रीगेशंस क्या होता है कि सेपरेशन हो जाना, अलग हो जाना आपके बैचिंग मटेरियल, और बैचिंग मटेरियल बोले तो कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूटेंट्स। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं दैट इज सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ बैचिंग मटेरियल्स, सेपरेशन ऑफ बैचिंग मटेरियल्स, बैचिंग मटेरियल्स कहूं मैं दैट इज बैचिंग मटेरियल कहूं या कंक्रीट, कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूटेंट कहूं, और कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं भाई, वो आपको पता ही है, सीमेंट हो सकता है, सैंड हो सकता है, एग्रीगेट हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं आपका सेग्रीगेशन, कि आपका मतलब आपने कंक्रीट का एक मोल्ड बनाया, कंक्रीट तैयार किया, कंक्रीट पेस्ट कर लगाया, उसमें से क्या हुआ डियर आपका एग्रीगेट अलग हो गया, रेता अलग हो गया, सब कुछ क्वांटिटी अलग अलग दिख रही है, तो उसको बोलेंगे हम सेग्रीगेशन। अब डियर इन सेग्रीगेशन से भी क्या होगा, अगर आपको उसमें पानी पानी अलग हो गया, मतलब आपको पूरा पानी पानी ही दिख रहा, वाटर वाटर ही दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे हम दैट इज ब्लीडिंग। अगर आपका सरफेस के ऊपर क्या आ गया, वाटर वाटर आ गया, तो उसको बोलेंगे कि अगर आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट में से क्या गया है, उसने पानी का ही क्वांटिटी यहां पे ज्यादा होगी तो पानी निकलेगा भाई, तो दैट इज ब्लीडिंग। तो यहां पे तो पूछा उसने सस्टेन लोड पूछा था, तो सस्टेन लोड को मैंने यहां पर नाम दे दिया दैट इज बी, बी आपका राइट आंसर है, बी क्या है भाई आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 16, 15 का भी वेरी गुड। देखो भाई द एडिशनल कवर ऑफ थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर दैट आर टोटली एमर्ज्ड इन सी वाटर, एडिशनल कितनी प्रोवाइड करी, तो एडिशनल मतलब मिनिमम आपने 50 प्रोवाइड की थी और मैक्सिमम आपने 75 प्रोवाइड की थी, तो एडिशनल कितनी हुई दैट इज 25 mm, एडिशनल कितनी हुई 25 mm, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दैट योर आंसर इज ए। वेरी गुड, आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 25 mm। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा, आपसे कंक्रीट का ग्रेड पूछा आरसीसी के अंदर कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया आरसीसी के अंदर मिनिमम होना चाहिए कितना एम 20 और पीसीसी के बीच में होना चाहिए मिनिमम दैट इज एम 15, और यही प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी पोस्ट में और प्री में, पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन,
होस टेंशन में मिनिमम होना चाहिए डियर एम 30 होना चाहिए और प्री टेंशन में मिनिमम एम 40 होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड भाई, आरसीसी में 20, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में 15 और प्री स्ट्रेस कंक्रीट का पोस्ट टेंशन में मिनिमम 30 और प्री टेंशन में मिनिमम 40, तो ये भी क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर। अब सी वाटर में कौन सी कंडीशन आती है, वेरी सीवियर कंडीशन आती है, तो थोड़ा सा मैं आपको बैक ट्रैक के चलता हूं यहां पे। देखो यहां पे वेरी सीवियर में यहां पे हमने देखो 20 25 30 35 35 भी प्रोवाइड किया है और 30 भी आप मिनिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहां पे देखो जरा आंसर क्या होगा आपका। अब देखो भाई एम 35 तो है नहीं, 15 हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी किसकी बनी, 30 की। अगर यहां पे M30 और M35 ओके क्या बोल रहा हो कि ओके ओके ये तो हमने कर दिया था ना यहां पे, यस ये। अब देखो यहां पे अगर यहां पे हमने बोला कि सी वाटर बोला, उसने सी वाटर बोला, सी कोस्टल रीजन में बोला, और जो सी कोस्टल रीजन में है डियर वो हम M30 से लेके वो M30 से ऊपर ही यूज करते हैं, याद रखना कि सी कोस्टल में आप मिनिमम अबव M30 यूज करते हैं, तो यहां पे M15 तो हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता था, 20 हो नहीं सकता था, आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज डी, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर वेरी गुड यार वैभव, बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया यार। इसको बताइएगा देखो डियर, इन्होंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर का मतलब इसने किस स्ट्रेंथ की बात की, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की बात की, किसकी बात की, ये स्टेटमेंट को समझना ही अपने आप में एक अलग काम है, तो इसने बोला दैट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है डियर, और इसके लिए मैंने आपको, जो लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रहा हूं, जिन्होंने कोर्सेज लिया है उनको पता है कि सर ने बताया है तो बड़े अच्छे से समझते हैं, मैंने आपको इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाया था, देखिएगा इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, दिस इज स्ट्रेन एंड दिस इज स्ट्रेस, तो कुछ इस तरह से बनाया था, कुछ इस तरह से यहां पे वैल्यू हो सकती है 0.002, 0.003 एंड 0.0035 स्ट्रेन की वैल्यू है, यहां पे आपकी स्ट्रेस की वैल्यू है। और यहां पे दैट इज दिस इज द एफसीके, दिस इज द एफसीके, यहां पे अगेन इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट लगाया तो एफसीके डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक है, तो जब यहां पे इस वाले पे लगाया और फिर उसी तरह से यहां पे लगाया, देखो तो यहां पे कितना आया था एफसीके डिवाइडेड बाय 1.15, तो यहां पे आया था आपके पास दैट इज 0.67 एफसीके, और यहां पे क्या आया था एफसीके
उसी तरह से फिर अगेन किया आपने 0.67 रूट FCK डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1. स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, तो इसको अगेन किया तो कितना आया 0.45 FCK। तो ये सारी कंडीशन आई आपके पास। तो FCK क्या है डियर, तो FCK है आपके पास दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और 0.67 FCK क्या है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और 0.456 क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो पूछा क्या उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर पूछा, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया दैट इज 0.67। देखो वैभव गलत कर गए ना, वही तो गलती करते हैं, तभी बोलते हैं भाई कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग यहां पे नए हैं। अगर आप चाहते हो डियर आरसीसी ऐसे ही सारे सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, कोई भी चीज रटने का नहीं है डियर, जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज उनको अभी भी बता रहा हूं कि अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे JEE के बैच में एनरोल हो सकते हैं और आप गेट वगैरह और ESC में भी एनरोल हो सकते हैं, ठीक है, ये आप देखिएगा। ठीक है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक 0.67 को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बोला जाता है और 0.45 मतलब आएगा वो 0.446, मैंने राउंड ऑफ कर दिया 4.5 FCK के, तो दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ। तो आपका आंसर क्या था दैट इज 6.7। बोलते डियर रटने का काम नहीं है सिविल इंजीनियरों, आज की डेट में तो जॉब लेना रटने वालों का रास्ते साफ हो गए हैं। जो लोग गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करने रह गए थे ना वो तो वहीं के वहीं रह गए, उन्हें कभी सोचना भी नहीं है सिलेक्शन होगा ये कभी सोचना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कीजिएगा जल्दी। ये बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट मेनली डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले ये किस किस पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली बात है सर ये साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करती है, और दूसरा ये सर किस पे डिपेंड करती है ये फाइननेस ऑफ सीमेंट पे भी डिपेंड करती है, और तीसरी ये आपकी किस पे डिपेंड करती है सर ये तो आपको बता दिया कि हाँ सर साइज पे भी, साइज और शेप ऑफ एग्रीगेट पे भी, फाइननेस ऑफ सीमेंट पे भी डिपेंड करती है, और उसके बाद ये किस पे डिपेंड करती है डियर, उसके बाद ये आपकी डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशो पे, वाटर सीमेंट रेशो पे। अगर वाटर सीमेंट रेशो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी भी क्या होगी बढ़ेगी, अगर वर्केबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ इसकी डियर डिक्रीज होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी भाई डिक्रीज होगी। तो यहां पे जो सबसे मेजर है डियर, सबसे मेजर है आपका वाटर सीमेंट रेशो, सबसे मेजर यही है। तो इन्होंने क्या बोलता है क्वांटिटी ऑफ वाटर यहां करती है भाई, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट करती है भाई, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट भी करती है, एंड वाटर ऑफ सीमेंट रेशो जो सबसे मेजर है वो क्या है दैट इज वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है डियर, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर यहां पे डी हो गया। भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक बेशक ना करें पर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अब देखते हैं कल का इंटरव्यू का क्वेश्चंस कि क्या था इंटरव्यू का क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं है, हाँ है भाई
ओके नहीं है, ये हमारा नहीं है, ठीक है, ये किसी और का है। हाँ ये हमारा हो सकता है। हाँ इसको कर लो जरा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन जनरल कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट डज नॉट डिपेंड अपॉन, भाई जो कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी, दैट इज ये होता है, ठीक है डियर। तो ऑब्वियसली बात ये कि किस पे ये डिपेंड नहीं करता। हाँ ये बात डिपेंड है कि अगर आपका सीमेंट हो सकता है, एग्रीगेट हो सकता है और दैट सीमेंट कंटेंट हो सकता है, पर भाई यहाँ पे पानी का तो कोई रोल नहीं है ना, कि आप समझते हो। हाँ मान लेते मेरे पास ये कंक्रीट का सेक्शन बन गया है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना शरीर को इंट्रोड्यूस करवाया था, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे मैंने क्या करवाया थे, एक मैंने एल्युमिनियम का लिया, एक कॉपर का लिया, एक ब्रास का लिया, तो सभी को मैंने देखा है कि किसमें सबसे कम एलोंगेशन होती है, तो आपके स्टील में एलोंगेशन होती, तो भाई वाटर का तो कोई रोल नहीं है ना यहाँ पे। तो उसने बोला नॉट डिपेंड, कभी भी डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी ऑफ वाटर पे कभी भी कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड नहीं करता डियर, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चंस, आज का आपका क्वेश्चन जो हमें किया था उसको देखते हैं भाई, कल का इंटरव्यू क्वेश्चन आपका। ये है डियर, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फॉर्म वर्क होता क्या है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फॉर्म वर्क होता क्या है। तो यहां पे अगर डियर आप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझोगे, ये जो दिखा है ढांचा दिख रहा है आपको, ये बॉक्स टाइप में दिख रहा है, यानी कि ये बॉक्स क्या काम कर रहे कि जिस भी सेक्शन में आप अपना सेक्शन डिजाइन करना चाहते हो, चाहे उसको सर्कुलर बनाओ चाहे उसको कैसे भी बनाओ, तो उसको एक बॉक्स में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कवर कर दिया है, इसको बॉक्स में कवर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कंक्रीट फिलिंग करूंगा तो मेरा सेक्शन वैसे बन जाएगा, मैं चाहूंगा तो मेरा रेक्टेंगुलर बनेगा और मैं चाहूंगा तो मेरा सर्कुलर बनेगा, ठीक है। तो ये है एक तरह से मेरे बॉक्स की तरह बना होता है, मोल्ड की तरह होता है, तो दिस इज नॉन एज फॉर्म वर्क, दिस इज नॉन एज फॉर्म वर्क। यही फॉर्म वर्क को आगे देखो डियर, शैटरिंग क्या होती है, यही मैंने बताया था आपको, शैटरिंग क्या होती है डियर ध्यान से सुनना है, शैटरिंग क्या होती है, शैटरिंग डियर आपका वर्टिकल मेंबर में दी जाती है, शैटरिंग कहां दी जाती है, वर्टिकल मेंबर में दी जाती है। अब देखो ये वर्टिकल मेंबर है आपके, ये वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर में क्या दी जाती है, शैटरिंग दी जाती है, वर्टिकल मेंबर में क्या दी जाती है डियर, शैटरिंग। जैसे आपका बीम हो गया, बीम भी हो सकता है वर्टिकली, कॉलम हो गया, ठीक है, तो आपका शैटरिंग। तो ये आपको याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, वर्टिकल मेंबर के लिए दी जाती है शैटरिंग, आपकी वर्टिकल मेंबर के लिए दी जाती है। उसी तरह से आगे शैटरिंग के बाद सेंटरिंग आता है। अब देखो, अब डियर ध्यान से देखना, इसके नीचे एक प्लाई लगी होती है जिसको मैंने 100 फीट कहा था, याद होगा कल वाला स्टेप आपको, कि मैंने ऐसे बनाया था कि ये बीम है, ये आपका कॉलम है, ये सॉरी बीम है और ये आपका स्लैब है, इसके नीचे मैं प्लाई लगाता हूं कुछ इस तरह से, इसके नीचे क्या लगा दी मैंने, ये प्लाई लगा दी, इसके नीचे क्या लगा दी, प्लाई लगा दी। तो इसके नीचे क्या लगाया, ये जो खाली दिख रहा आपको, ये खाली दिख रहा, ये प्लाई तो है इसके नीचे, जिसको मैंने वहां पे क्या बोला था, दैट इज सॉफिट,
क्या बोला था इसको मैंने? सॉफिट बोला था। और ये सॉफिट क्या है? ये प्लाई है, उसके नीचे लगाई गई कि आपका जो स्लैब कास्ट की गई है, स्लैब कास्ट के जो नीचे है ये है, दैट इज सेंटरिंग बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं डियर आप? सेंटरिंग बोलते हैं। ये जो की है आपने सेंटरिंग, जो मैंने आपको सॉफिट बताया था ना कि सॉफिट है, अगर यहाँ पे मैं देखूं ये सॉफिट है और इसी सॉफिट को जब आपने पूरे में बिछाया तो क्या बोलेंगे? सेंटरिंग बोलेंगे, सेंटरिंग बोलेंगे। क्लियर है? अगर सेंटरिंग के बाद स्टेगिंग। अब मैंने आपको डियर प्रॉप बताए थे, क्या बताए थे? प्रॉप बताए थे कुछ, अगर कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो ये दिख रहा है आपको, ये प्रॉप, ये प्रॉप है डियर। और इन्हीं प्रॉप को क्या बोला जाता है? स्टेगिंग बोला जाता है डियर। इन्हीं प्रॉप को क्या बोला जाता है? स्टेगिंग बोला जाता है। तो डियर आप कभी भी गलती नहीं करोगे कि देखो डियर, अगर मैंने बोला था ये प्रॉप है, मैंने प्रॉप से इसको कनेक्ट कर दिया है, इसी प्रॉप को मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज स्ट्रेगिंग बोल रहा हूं। और ये जो ये देखो मेरे ऊपर स्लैब है और इसके नीचे मैंने प्लाई बिछाई है, मतलब यहाँ पे प्लेट लगाई है या प्लाई लगाई है, या तो मैं यहाँ पे आरसीसी की प्लेट लगा दूंगा या प्लाई लगा दूंगा, तो उसको क्या बोला मैंने? सेंटरिंग बोला। ठीक है, सेंटरिंग बोला। अब मेरा कॉलम कुछ ऐसा था और इसको चारों तरफ से मैंने एक कवर कर दिया एक बॉक्स टाइप में, उसको क्या बोलेंगे डियर? फॉर्म वर्क बोलेंगे। अगर इसी में मैंने इसी में ये वर्टिकल मेंबर है इसको ऐसे किया तो दैट इज शटरिंग बोलेंगे। अगर शटरिंग के ऊपर स्लैब डाल देंगे तो स्लैब किससे कनेक्ट होगी? अब देखो ध्यान से मैं बनाता हूं आपके लिए, ये था तो इसको बोलेंगे शटरिंग लगाएंगे आप यहां पे। अब देखिएगा यहां पे, यहां पे क्या है ये, अगर आप ये जो कॉलम दिख रहे हैं, कॉलम दिख रहे हैं तो यहां पे तो आप शटरिंग लगाएंगे, और जो ये यहां पे बिल्कुल खाली स्पेस दिख रहा है तो इसके नीचे से क्या लगाएंगे? प्लेट लगाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटरिंग बोलेंगे, सेंटरिंग बोलेंगे। और उसके नीचे मैं प्रॉप लगाऊंगा कुछ इस तरह से, यहां पर क्या लगाया दिया मैंने? प्रॉप लगा दिए। और इस प्रॉप को क्या बोलूंगा डियर मैं? स्टेगिंग बोलूंगा। इस प्रॉप को क्या बोलूंगा? स्टेगिंग बोलूंगा। ठीक है, तो ये आज आपको पता लग गया होगा कि क्या होता है। और ये स्कैफोल्डिंग, अब ये स्कैफोल्डिंग कैसे है डियर? ये सारी आपकी बिल्कुल ही किसकी है? या तो ये आपकी बंबो की हो सकती है, बांस की हो सकती है, या ये आपकी स्टील की हो सकती है। इसका यूज आप स्कैफोल्डिंग का तभी करते हो अगर आपके स्ट्रक्चर की हाइट बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये है दैट इज स्कैफोल्डिंग। हाइट क्या है देखो, वन स्टोरी से गया दूसरी स्टोरी, दूसरी से तीसरी, एंड तीसरी से फोर्थ, यानी कि नंबर ऑफ स्टोरीज। ठीक है डियर, तो ये था आज का सेशन आपका, आपको क्लियर हुआ होगा कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्टेगिंग क्या होते हैं, और सेंटरिंग क्या होते हैं, और शटरिंग क्या होता है, और फॉर्म वर्क क्या होता है डियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। ठीक है।